क्या है डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास? भंसार भाई, कल सोचा था कि ना जल्दी निकलेंगे रूम से, लेकिन आज भी भाई साहब 12:30 बजने वाले और मैं रूम पे ही पड़ा हूँ। उसकी ये वजह है मेरा ऑफिस। भाई ऑफिस का काम चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी 10-15 मिनट लगेंगे। अपना ऑफिस का काम हम निपटा लेता हूँ यार, उसके बाद यहाँ से निकलूंगा। ऑफिस का काम करते करते भाई 1 बज चुका है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और आज का हमारा क्या रूट प्लान है वो मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे कल समझाया था ना ड्राइंग बना के, वैसे ही आज बताऊंगा। बाकी कल हमने ना अंकल को पेमेंट करी थी 1000 रुपये और हमारा रूम था 600 रुपये का, तो बाकी के पैसे लेने अंकल से भी वापस। अच्छा पोखरियाल जी, चले हम उठ गए। हाँ जी उठ क्या गए, उठ तो बहुत पहले गए थे हम, 7 बजे उठ गए थे, लेकिन मेरा ऑफिस का काम भी रहता है। अब आगे चीसा पानी की तरफ जाएंगे। 13 किलोमीटर है। हाँ धन्यवाद। और सब ठीक है? आप आए बैठे, बहुत खुशी लगा। धन्यवाद, फिर भी आइएगा। बिल्कुल भाई साहब, कितनी भयंकर धूप हो गई यार। और भाई साहब टाइम हो लिया एक तो मेरी मोटरसाइकिल का टाइम भी खराब हो रखा है, 4:47 दिखा रहा है, इसका टाइम भी सही करना है। और भाई साहब आज इसकी सर्विस भी करवानी है। सर्विस में क्या करना है, बस ऑयल चेंज करना है और ऑयल फिल्टर चेंज करना है मेरे को। यहाँ पे मिल जाएगा कहीं तेल, तो अभी ले लेते हैं और अभी डलवा लेते हैं। इसका मिलेगा? किधर मिलेगा? बजाज का ही। शोरूम तो मिल जाएगा जहाँ तक मेरे को पता है, लेकिन इसका ऑयल मिलेगा नहीं मिलेगा वो लोचा है भाई। भाई एवरेज सही दे रही है यार, मुझे लगा था 22-23 का एवरेज देगी, लेकिन ये ना 27 का एवरेज दे रही है मेरे को। और इसकी मेरे हिसाब से सर्विस हो जाएगी, उसके बाद क्या पता थोड़ा सा और बढ़ जाए। ये आ गया भाई बजाज का शोरूम। भाई बजाज के सर्विस सेंटर तक पहुंच गए। अब यहाँ पे डोमिनार का इंजन ऑयल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा डलता है इसमें। मैंने एक बार चेक तो किया था, मैं भूल गया। यहाँ पे आप इंजन ऑयल चाहिए मेरे को डोमिनार के लिए। कौन सा मॉडल का डालते हैं? हाँ मोटू लो, कैस्ट्रोल लो। कैस्ट्रोल नहीं है हमारे पास, मॉडल भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का है। इंजन ऑयल जो मेरे को चाहिए वो तो नहीं है, इनके पास सर्वो का है। मेरे को चाहिए था कैस्ट्रोल का, तो एक बार इंजन ऑयल चेक करवा लेते हैं। कैस्ट्रोल का मुझे डलवाना है, कैस्ट्रोल का इनके पास में है नहीं। आगे 90 किलोमीटर है ना, कोहलपुर करके जगह है, वहाँ मिल जाएगा। अभी यहाँ से 13 किलोमीटर दूर ना एक चीसा पानी करके जगह है, वहाँ जा रहा हूँ। जब कल रात को मैं इस जगह में रुका था, ये जो मार्केट देख रहे हो आप, इसको नमकी कलाई बोलते हैं, नमकी बाजार भी जगह को बोलते हैं। नमस्ते सर, दिल्ली से नेपाल सिक्किम तक जाएंगे। भंसार दिखाना है? चीसा पानी इसी रास्ते पे है, अच्छी जगह है। सर मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। हाँ जी, चीसा पानी एक बार आया था, लेकिन बहुत पहले आया था मैं। अब करनाली ब्रिज चीसा पानी वही आसपास में ही है। थैंक यू। जागो रे देखो रे दुनिया ए देखो रे ना तो भाई जी हम लोग ना चीसा पानी पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आप पुल देख रहे हो उसी को चीसा पानी बोलते हैं। और मेरे बगल में जो ये नदी देख रहे हो, ये वाली नदी, ये भाई करनाली नदी है। ये मतलब नेपाल की भाई सबसे बड़ी नदियों में से एक है। और इसी नदी के ऊपर ये जो पुल बना हुआ है, इसको चीसा पानी पुल बोलते हैं। और भाई यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं भाई घूमने के लिए। अभी भी हम जाएंगे शायद काफ़ी टूरिस्ट मिल जाएंगे हमें, ज़्यादातर कपल इधर आते हैं। पानी पहुंच गया। ये जगह ना काफी फेमस है भाई, यहाँ पे वैसे टूरिस्ट वगैरह काफी आते हैं। लग भाई इस टाइम पे ना मैं करनाली पुल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ भाई, और यहाँ पे इतनी भयंकर हवा चल रही है। और ये नीचे नदी देखो यार कितनी खूबसूरत है। अब यहाँ पे ना वैसे कोई गाड़ी वाड़ी रुकी नहीं है,
पता नहीं यहाँ पे गाड़ी रोकना अलाउड होगा नहीं होगा, लेकिन मैं तो जल्दी से निकल जाऊंगा। 2 मिनट के रोक रहा हूँ मैं गाड़ी भाई साहब। भयंकर ही नदी यार, काफी बड़ी है। भाई हमने लुम्बिनी में एंटर कर लिया क्या? लुम्बिनी प्रदेश में तापाई लाई हार्दिक स्वागत, मतलब लुम्बिनी प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। टाइगर वाला जोन स्टार्ट हो चुका है भाई। सर जानवर भी होते हैं क्या इसमें? कौन सा जानवर है? टाइगर वगैरह है? तो सेफ है ऐसे जाना? हाँ अच्छा, आगे अभी चौकी आएगी, चौकी आगे। हाँ उसके बाद वो बाइक टू गाड़ी, तो कुछ पैसा लगता है क्या उसका? ना ना ना, कोई परमिट लगता है? अच्छा वही परमिशन लगेगी। टाइगर टाइगर है वहाँ पे, हाथी भी होता है। अच्छा इधर राइनो भी होता है क्या? राइनो राइनो इसमें नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। ना यहाँ पे ये निकुंज वन क्षेत्र स्टार्ट हो, वो फौजी भाई साहब बता रहे हैं कि भाई आगे आपको एक चौकी मिलेगी, उस चौकी में आपको रोका जाएगा, आपकी गाड़ी का नंबर वंबर सब नोट करेंगे और आपको ना ऐसा सिंगल नहीं जाने देंगे। मतलब जैसे मेरी बाइक है, मैं अपनी बाइक लेके बस नहीं निकल सकता, मेरी बाइक के आगे गाड़ी होनी चाहिए, मेरी बाइक के पीछे गाड़ी होनी चाहिए, तो वो मेरे को रोक के रखेंगे। तब तक कोई गाड़ी नहीं आती तब तक मैं जा नहीं सकता, कोई गाड़ी आएगी उनके बीच में मुझे डालेंगे। तो भाई साहब जिस चौकी की बात हो रही थी वो चौकी शायद आ गई है, टीकापुर नेपालगंज। एंट्री होता है यहाँ पे? चलो भाई एंट्री करवा के लाते हैं। सर एंट्री होने? हाँ जी। नहीं नहीं वहाँ सिंगल रूम है क्या? एक मिनट रुकिए, उधर चार चारवटा बाइक चाहिए क्योंकि ये नेशनल पार्क है ना, बाघ हाथी जो भी है हो जाएगा। इसके लिए तुमको बीच में दो गाड़ी के आगे पीछे करके ले जाना पड़ता है, एक बाइक और आने दीजिए। हाँ। गाड़ी के बीच में धर के पढ़ाएंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, और ये कुछ हमको चाहिए क्या? नहीं आपको देंगे। अच्छा तो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है और सारे बाइक वाले भाई भी और इकट्ठे हो गए, अब तो 5 लोग हो गए, वैसे पहले 3 थे, तो अभी वैसे 4-4 करके छोड़ते हैं। और 4 लोगों का ना एक साथ ही पास बना दिया है, और ये टोटल 13 किलोमीटर का पैच है जो एक घना जंगल है। जंगल में बता रहे हैं कि भाई साहब टाइगर भी है, लेपर्ड भी है और एलिफेंट वगैरह भी होते हैं। 2 गाड़ियों के बीच में हमको छोड़ा जाएगा। एक गाड़ी तो निकल गई आगे। सेफ्टी से निकाल दिया है, हमारे आगे एक छोटी बस टाइप की चल रही है और हम लोग सारे पीछे चल रहे हैं। अब हमको ना बस वो गाड़ी से आगे नहीं निकलना है भाई, हमको तो इतनी सिक्योरिटी के साथ में छोड़ा है, और ये लोग तो ऐसे यहाँ पे घास बीन रहे हैं, इनको कोई खतरा नहीं होगा क्या टाइगर का? भाई साहब एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, 40 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलना है भाई, बड़ा खतरनाक जंगल है यार। यहाँ पे अगर गाड़ी वाड़ी किसी की खराब हो गई तो उसके तो ऐसी ऐसी हो जाएगी। और इस जंगल में भाई साहब जंगली जानवर 100% होंगे। वाइल्ड लाइफ के नाम पे बस अभी तक एक लंगूर दिखाया और कुछ नहीं दिखा। देखो भैया हिरन सामने, वहां पे देखो कितने सारे हिरन है अंदर, बहुत सारे हिरन का झुंड है वहां पे एक। इनको चीतल बोलते हैं ना शायद। देखो भाई जैसे हम इस तरफ से ग्रुप में जा रहे हैं वैसे उस तरफ से भी ग्रुप में ही आ रहे हैं लोग सारे।
भाई साहब हम तो इतनी सिक्योरिटी से आ रहे हैं, एक बड़ी वाली गाड़ी हमारे पीछे लगी हुई है, एक पीछे हमारे ट्रक है, बीच में हम पांच लोग हैं। अब भाई साहब यहाँ पे लोग तो ऐसे घूम रहे हैं यार बीच जंगल में, ये देखो ये लकड़ी वकड़ी काट के ला रहे हैं जंगल में से, इनको किसी चीज का डर नहीं है। कोई गाँव वाँव होगा यार आस पास में, भाई साहब देखो यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, इन्होंने चेक कर लिया कि भाई पांच बंदे लिखे हुए थे पर्ची पे, पांचों बंदे पहुंच गए हम। और अगर एक ही बंदा हम कब पहुंचता तो फिर सबसे पूछताछ होती है भाई वो बंदा कहाँ चला गया। और यहाँ पे भी ये वेट कर रहे हैं, चार लोग एक साथ जाएंगे। जो जंगल हमने अभी क्रॉस किया ना वो बदरिया नेशनल पार्क था भाई, और यहाँ पे भाई साहब ये लोग इतने सारी लकड़ियाँ कहाँ कहाँ से काट के ला रहे हैं। पूरा जंगल ही उड़ा दिया दिख है। ये क्या आया यहाँ पे, फाटक है क्या कि चेक पॉइंट है? मोटरसाइकिल एंट्री होना है क्या? हो जाएगा। अच्छा आगे फिर नेशनल पार्क है? कोई नेशनल पार्क नहीं, उधर ही होगा पीछे होता है ना। ये एक पर्ची किस चीज के लिए है? ये वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। एंट्री गरने ठाउ मोटरसाइकिल मात्र। भाई यहाँ पे भी मतलब अकेले नहीं छोड़ रहे हैं, दो दो बंदे करके छोड़ रहे हैं, पूरे जंगल के जंगल काट के ला रहे हैं। क्या पूरा गांव का गांव गया हुआ है भाई जंगल काटने के लिए? ये देखो जिसको देखो वही लकड़ी लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारात में जा रहे हैं और लाइन से लेके आ रहे हैं भाई साहब। ये देखो अलग ही नजारा है भाई साहब, ये भाई साहब तो पूरा पेड़ ले आए उखाड़ के कहीं से। भाई नीचे नदी का पानी बिल्कुल हरा हरा दिखाई दे रहा है, कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। ये शायद वही है करनाली नदी। भाई ये लेक तो देखो जंगल से रस्सियां वगैरह बना के मिला रहे हैं। तो भाई जो पर्ची बनी थी वहाँ पे वो अब यहाँ पे दे दी है। ये भी बर्दिया नेशनल पार्क था और वो भी बर्दिया नेशनल पार्क था, काफी बड़ा ये पार्क है भाई, तकरीबन 100 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दिल्ली। हाँ जी नेपाल, उस पर रोड ट्रिप कर रहा हूँ। रोड ट्रिप नेपाल? पूरा नेपाल रोड ट्रिप कर रहा हूँ, सिक्किम से सिक्किम तक। हाँ जी थैंक यू। ओके सब बढ़िया? हाँ जी सब बढ़िया। कहाँ पर जाना? सिक्किम तक। धन्यवाद। भाई साहब पुलिस वाले तो अच्छे हैं, यहाँ के कॉर्पोरेट करते हैं जी। हम लोग ना कोहलपुर पहुंच चुके हैं, लास्ट टाइम मेरे को याद है हम लोग ना यहाँ पे रुके थे इस वाले गेस्ट हाउस में, न्यू सेती करनाली गेस्ट हाउस। अभी मैं ना कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए यार बढ़िया सा। यहाँ पे ना कुछ खाने का ना आइटम मिल नहीं रहा ढंग का यार, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग ना
बफल्लो खा रहे हैं, बफल्लो मोमोज में भी बफल्लो है, इनके चाउमीन में भी बफल्लो है, बफल्लो ही बफल्लो है भाई। चलो अगर मैं नीचे को जाऊं तो नेपालगंज है, इस तरफ सुर्खेत है और सामने बुटवल है, किधर चला जाए? जगह देखता हूँ कैसी कैसी है, नेपालगंज कैसी है और सुर्खेत कैसी है, उसके बाद ही जाएंगे। धन्यवाद। तो भाई जी हम ना कोहलपुर पहुंच चुके हैं और फाइनली यार कुछ खाने को मिल गया, डंका क्या भाई, ये फ्राइड राइस ले लिए मैंने और समोसे ले लिए हैं। अब ये ना कोहलपुर एक ऐसी जगह है जहाँ से ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। यहाँ से आप नेपालगंज भी जा सकते हो, यहाँ से आप बुटवल भी जा सकते हो, और यहाँ से आप ना रारा लेक की तरफ भी जा सकते हो। रारा लेक मतलब मेरे प्लान में तो है, लेकिन यहाँ से लगभग ना 150 किलोमीटर है और वहाँ पे बर्फ़ होगी तो बाइक नहीं चल पाएगी। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि रारा जाऊँ कि नहीं जाऊँ या सीधा यहाँ से बुटवल की तरफ को निकल जाऊँ। निकलते काफ़ी देर बैठ गया मैं कोहलपुर में भाई, मतलब मैंने सोचा था 15-20 मिनट बैठूंगा, लेकिन भाई वो देखने लग गया मैप वगैरह कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते हैं। थोड़ा बहुत रिसर्च करा कौन कौन सी जगह में जाना चाहिए और काफ़ी कुछ समझ में आ गया, काफ़ी क्लियर हो गई चीज़ें। कोहलपुर से ना 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरे यार कोहलपुर में ना मैंने इंजन ऑयल खरीदना था, मेरे दिमाग से निकल गई। मेरे आगे ना एक बस चल रही है, ये काठमांडू तक जा रही है, तो 70 किलोमीटर मैं इस बस के पीछे पीछे ही चलूँगा। मतलब हमारा दोनों का ना रूट सेम ही है। 13 किलोमीटर तक मुझे ऐसे जंगल में ही जाना है भाई। हम लोग शमशेरगंज पहुंच चुके हैं और मेरे को वैसे आलियाम जाना था, लेकिन भाई साहब जो बीच में जंगल पड़ रहा है ना भाई, बड़ा भयंकर जंगल है यार, मेरे को तो बीच में डर लग गया था भाई। एक तो बिल्कुल लाइट नहीं, वो तो मेरी फॉग लाइट है जैसे मैं चल पा रहा हूँ, फॉग लाइट नहीं होती ना मैं नहीं चल पाता। तो भाई आगे जाना तो पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था भाई, जंगल ना बहुत ज़्यादा घना था। तो भाई आज की रात मैं यहीं रुक रहा हूँ आज।